किसानों को खेती में लगने वाला लागत खर्च का सबसे ज्यादा हिस्सा बीज और खाद का ही होता है, जिसमें से चलिए बीजों की बुआई तो कर दी, मगर किसानों को इस बात के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइजर कब और कैसे देना चाहिए, क्योंकि मिलने वाली सभी खाद और उसकी मात्रा हर फसल के लिए एक समान नहीं होती। कभी कभार क्या होता है, गलत खाद का प्रयोग हो जाने से फसल में नुकसान होने के साथ साथ लागत खर्च भी बढ़ जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यूरिया, डीएपी और एनपीके का प्रयोग कब करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूरिया की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है। यूरिया पौधों का अच्छा विकास करने के साथ साथ उसे हरा भरा बनाए रखने का काम करता है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों का विकास कम होता है तथा पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इस नाइट्रोजन की ज़रूरत सभी फसल या पौधों को होती है, जिससे पौधों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फसलों को यूरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शुरुआती अवस्था या बढ़वार अवस्था में। और एक ज़रूरी बात कि फसल में यूरिया की पूरी मात्रा एक साथ में देने के बजाय हफ्तों में 2-3 बार देनी चाहिए। और एक खास बात कि अगर आप डीएपी से भी ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो एसएसपी के साथ यूरिया का प्रयोग कीजिए। ऐसा करने से एसएसपी और यूरिया का कॉम्बिनेशन डीएपी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता, जो साथ में यूरिया देकर पूरा किया जा सकता है। साथ साथ एसएसपी में 16% फॉस्फोरस, 21% कैल्शियम और 11% सल्फर भी मौजूद होता है, जो डीएपी में नहीं होता। अब डीएपी की बात करें तो डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है। इन 18% नाइट्रोजन में 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है, 46% होता है फॉस्फोरस, जिनमें से 39.5% फॉस्फोरस पानी में घुलनशील होता है और बाकी बचा फॉस्फोरस मिट्टी में घुल जाता है। यह फॉस्फेट खासकर पौधों की जड़ों के ऊपर काम करता है। फॉस्फोरस के प्रयोग से पौधों की जड़ों का विकास बेहतर तरीके से होता है। यह पौधों में फूल और फलों की संख्या में वृद्धि करता है। आलू, गाजर, प्याज, मूली, शकरकंद, मतलब कि जिन फसल का जड़ उपयोग में लिया जाता हो, ऐसी फसलों में फॉस्फोरस का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा फूल या फूल वाले पौधों के लिए फॉस्फोरस ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्रयोग की बात करें तो डीएपी का प्रयोग फसलों की बुआई या रोपाई के समय ही कर लेना चाहिए, ताकि अच्छी पैदावार मिल सके, क्योंकि फसलों की शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा होती है और पोटाश की ज़रूरत तो बाद में ही होती है। तो डीएपी का प्रयोग फसलों में बुआई या रोपाई के समय ही या फिर पहली सिंचाई के समय ही कर लेना चाहिए, ताकि पौधों का विकास शुरू से ही अच्छा मिल सके। अब एनपीके की बात करें तो यह एनपीके विभिन्न अनुपात में आता है, जैसे कि 18-18-18, 19-19-19, 12-32-16, जिनमें से पहला अंक नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस और तीसरा अंक होता है पोटेशियम की मात्रा। ज़्यादातर किसान भाई 12-32-16 अनुपात वाला एनपीके ही प्रयोग में लेते हैं, जिसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस और 16% होता है पोटाश। और अब तो एनपीके के दानों पे जिंक कोटेड किया रहने से 0.5% जिंक की मात्रा भी मिल जाती है। प्रयोग की बात करें तो एनपीके 12-32-16 का प्रयोग धान, गेहूं, मूंग, ज्वार जैसी दानेदार या अनाज वाली फसलों के लिए ज़्यादा होता है। एनपीके में 16% पोटाश होने से फसलों में दानों में चमक आने के साथ साथ वजन भी बढ़ता है। खास बात कि एनपीके घुलनशील होने से जल्द रिजल्ट देता है और हल्की जमीन में उपयोग करने के लिए भी अच्छा रहेगा। यह एनपीके भी दानेदार होने से इसका प्रयोग भी फसलों की बुआई या रोपाई के समय यानी शुरुआती अवस्था में जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, या फिर फसलों में पहली सिंचाई के समय। तो यही थी जानकारी यूरिया, डीएपी और एनपीके के बारे में। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।